ड्यूटी पर लौटने के बाद टीवी 9 भारत वर्ष से साक्षी मलिक ने खास बातचीत की है। बता दें उनकी तरफ से कहा गया, मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिली, मेरी अमित शाह से नॉर्मल बातचीत हुई। ये भी कहना साक्षी मलिक का टीवी 9 से साक्षी मलिक की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाएंगे हम। उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई। जो लोग अफवाह फैला रहे कई तरह की पिछले कई दिनों से अलग अलग चीजें, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत खराब बात है, हमारे प्रोटेस्ट को आंदोलन को जो है कमजोर कर रहे हैं, आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। तो साक्षी मलिक को आपने सुना, अपनी ड्यूटी से आ रही है तो साफ तौर पर कह रही है कि लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ड्यूटी जरूर उन्होंने ज्वाइन की है, लेकिन आगे भी जो है वो इस आंदोलन को जारी रखें, किस रूप में रखेंगे ये अभी तक नहीं बताया, लेकिन साफ तौर पर जो बात चल रही थी कि नाबालिग ने अपना जो शिकायत वापस ली है उसके लिए उन्होंने मना किया, साथ में ये जरूर पुख्ता किया कि हाँ गृहमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ड्यूटी पर लौटने के बाद टीवी 9 पर साक्षी मलिक को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि ये बहुत खराब बात है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से इस बातचीत के अंश को आपको सुनवाते हैं। नहीं, मैंने अपना ट्वीट कर दिया, ट्वीट कर दिया, आंदोलन खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हाँ लड़ाई जारी। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप गृहमंत्री से मिले थे क्या? मैं यूं बोल रहा हूँ, आंदोलन जारी रहेगा जब तक मिले थे। होम मिनिस्टर से मिले थे आप? भैया होम मिनिस्टर से मिले थे क्या आप? हाँ नॉर्मल बातचीत हुई थी, बाकी परसों मिले थे आप? हाँ। शिकायत भी वापस लिए नाबालिग ने? मैं बता, नहीं ये भी फेक है, ये हमारे आंदोलन को आपने ज्वाइन कर ली है, अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली है, ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। तो अभी अब आप नौकरी पे रेगुलर रहेंगे अब, या फिर से कहीं धरना प्रदर्शन आपने करना है या खाप पंचायत का? वो जो भी होगा ना आगे वो हम आपको बता देंगे, जैसा भी रहेगा सारा आपको आगे की रणनीति और सब हम बता देंगे। नहीं मैंने अपना ट्वीट कर दिया, ट्वीट कर दिया, आंदोलन खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हाँ लड़ाई जारी। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप गृहमंत्री से मिले थे क्या? मैं यूं बोल रहा हूँ, आंदोलन जारी रहेगा जब तक मिले थे। होम मिनिस्टर से मिले थे आप? भैया होम मिनिस्टर से मिले थे क्या आप? हाँ नॉर्मल बातचीत हुई थी, बाकी परसों मिले थे आप? हाँ। शिकायत भी वापस लिए नाबालिग ने? मैं बता, नहीं ये भी फेक है, ये हमारे आंदोलन को आपने ज्वाइन कर ली है, अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली है, ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। तो अभी अब आप नौकरी पे रेगुलर रहेंगे अब, या फिर से कहीं धरना प्रदर्शन आपने करना है या खाप पंचायत का? वो जो भी होगा ना आगे वो हम आपको बता देंगे, जैसा भी रहेगा सारा आपको आगे की रणनीति और सब हम बता देंगे।